मम्मा मेरे साथ हमेशा स्टूडियोज में होती है. आई डोंट रिमेंबर एनी सॉन्ग विच आई हैव रिकॉर्डेड विदाउट मम्मा बीइंग देयर एट द स्टूडियो. और मम्मा हालांकि म्यूज़िकल बैकग्राउंड से नहीं है, वो गाती भी नहीं है, उन्हें इनफैक्ट सुनने का भी ज़्यादा शौक नहीं है. लेकिन जब मैं कोई भी गाना रिकॉर्ड करती हूँ, किसी भी म्यूज़िक कंपोज़र के साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, कितने भी वहाँ पर दिग्गज लोग बैठे हों, लेकिन मैं एक बार पूरा गाना अप्रूव होने के बाद मम्मा की तरफ देखती हूँ. मम्मा अगर ऐसे कर देती है मतलब मेरे लिए टेक ओके है. मैं एक्चुअली मेरी हर चीज़, मेरे जीवन का हर क्षण, हर उपलब्धि, हर आदर्श, हर संस्कार माँ से ही जुड़ा है. मैं जो हूँ वो लिटरली मेरी मम्मा की ही परछाई हूँ. मम्मा सबको ही पता है मेरे साथ लिटरली 24 घंटे रहती आई हैं. अब मेरी शादी हो गई है लेकिन अभी भी मेरे काम में, मेरे साथ स्टूडियोज़ में, शूट्स में, हर जगह मेरी मॉम होती हैं. मेरे लिए माँ शब्द सुनते ही जो पहला शब्द जहन में आता है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग. आई थिंक माँ से बड़ी ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती. मेरे लिए मम्मा से जो मेरा रिश्ता है वो सिर्फ एक माँ का, माँ और बेटी का ही नहीं है. शायद हर एक माँ बेटी का रिश्ता ऐसा ही होता होगा, लेकिन मेरे लिए मेरी दोस्त, क्योंकि मेरी ज़्यादा दोस्त रहे नहीं है, मेरी रिश्तेदार, मेरी बिगेस्ट सपोर्ट, मेरी मेंटोर, मेरी आइडियल, सब मेरी मॉम ही रही है. अब मेरा घर अलग हो गया है, मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, लेकिन वहाँ पर भी हमारे घर में मैं और मेरे हस्बैंड, हमारे घर को सेटअप करने से लेकर हर चीज़ में मम्मा की राय उन्होंने ली है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मम्मा को हमेशा मुझ पर, मुझसे ज़्यादा विश्वास रहा है. चाहे वो मेरे करियर से रिलेटेड हो या मेरे सोशल वर्क से रिलेटेड भी, अगर मेरी मॉम का सपोर्ट मुझे नहीं होता तो शायद मैं इतनी ज़िंदगियां नहीं बचा पाती. एंड मेरी जो लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो वैल्यूज़ है, वो मुझे अपनी मॉम से ही मिली है. जब मैं अपना करियर भी शुरू कर रही थी इंडस्ट्री में एज अ प्लेबैक सिंगर, मम्मा ने मुझे कहा था कि किसी भी कीमत पर सिंगर नहीं बनना है, इस तरह ख़ुद को रखना कि 10 साल बाद ख़ुद को आईने में देख सको. सो वो जो चीज़ है उसे मैं लेकर चल रही हूँ. तो चाहे वो मेरे गानों में भी सुनेंगे या मेरे कंडक्ट में भी देखेंगे, तो वो जो उनकी टीचिंग्स हैं वो हमेशा मेरे साथ है. पलाश को ऐसा लगता है कि मम्मा मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, मेरा फेवर लेती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर उसका भी फेवर ले लें तो मैं ओके हूँ, अगर उससे ज़्यादा प्यार कर लें तो मैं ओके हूँ. सो या मम्मा मेरे साथ हमेशा स्टूडियोज़ में होती है. आई डोंट रिमेंबर एनी सॉन्ग विच आई हैव रिकॉर्डेड विदाउट मम्मा बीइंग देयर एट द स्टूडियो. और मम्मा हालांकि म्यूज़िकल बैकग्राउंड से नहीं है, वो गाती भी नहीं है, उन्हें इनफैक्ट सुनने का भी ज़्यादा शौक नहीं है. लेकिन जब मैं कोई भी गाना रिकॉर्ड करती हूँ, किसी भी म्यूज़िक कंपोज़र के साथ रिकॉर्ड कर रही हूँ, कितने भी वहाँ पर दिग्गज लोग बैठे हों, लेकिन मैं एक बार पूरा गाना अप्रूव होने के बाद मम्मा की तरफ देखती हूँ. मम्मा अगर ऐसे कर देती है मतलब मेरे लिए टेक ओके है. बिकॉज़ मम्मा को भले ही म्यूज़िकलिटी का टेक्निकली नॉलेज ना हो इतना, लेकिन उन्हें मेरी बेस्ट कैपेसिटी पता है. तो मेरे लिए मम्मा का अप्रूवल मस्ट रहता है. मेरे कॉन्सर्ट्स में भी मम्मा हमेशा साइड में, आप मम्मा को देखेंगे स्टेज पर. तो मेरे लिए मम्मा का अप्रूवल दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट अप्रूवल है लाइफ में भी. अगर मम्मा मुझसे खुश है मतलब आई एम डूइंग द राइट थिंग इन लाइफ. मम्मा को, मम्मा एक्चुअली मेरी बहुत बड़ी क्रिटिक भी हैं. तो मम्मा अगर किसी चीज़ में मेरी तारीफ कर दे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई है. बट आई थिंक उनके वो क्रिटिसिज्म की वजह से ही मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं खुद को और बेटर करूँ. बट आई थिंक अगर उन्होंने जाहिर किया है जो उन्हें गाना पसंद है, दैट इज़ ऑफकोर्स आशिकी के गाने. हर एक गाना एक्चुअली उनको पसंद है. बट कौन तुझे समथिंग, आई थिंक कौन तुझे उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद है. वैसे कभी वो डिमांड करती है कि ये वाला गाना जरा, नहीं मुझे बोलती है बंद कर गाना. क्योंकि वो मेरे साथ हमेशा होती है और मैं गुनगुनाते रहती हूँ. तो जब मैं वापस घर आ जाती हूँ तो शी इज़ लाइक अब बस बंद कर, मैं थक चुकी हूँ गाना सुन सुन के. तो यह उल्टा होता है. अभी हाल ही में छत्रपति का गाना रिलीज़ हुआ है एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सॉन्ग्स हैं लाइनअप में. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, इनफैक्ट इतना एक्साइटिंग लाइनअप है. एंड उम्मीद करती हूँ कि एक्चुअली हर बार जब भी कोई गाना रिलीज़ होने वाला होता है मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं इस बार पिछले गाने जितना प्यार मिलेगा कि नहीं,
बट हर बार ही सब लोग इतना प्यार देते हैं कि हर एक गाना सुपर डुपर हिट हो जाता है. सो आने वाले गानों में बस मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है कि उतना ही प्यार मिले जितना कि अभी तक के गानों को मिला. नोकझोंक तो नहीं होती है बिकॉज वो ऑफकोर्स मेरी मॉम है और उनके सामने मेरी मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती है ज़्यादा. लेकिन मेमोरीज़ बहुत सारी हैं बिकॉज जैसे कि आपने कहा हमने बहुत सारा वक्त साथ में बिताया है. तो ट्रैवलिंग हो या रिकॉर्डिंग्स हो, वो पहले रिकॉर्डिंग से लेकर अब तक लिटरली उन्होंने मेरी जर्नी देखी है. तो बहुत सारी मेमोरीज़ है. बस हाँ, एक बार मुझे लंदन जाना था पहले ट्रिप में मेरी मॉम के बिना. एंड तब मैं 6 साल की थी और कल्याण जी आनंद जी के ट्रिप के साथ ट्रैवल कर रही थी. एंड आई रिमेम्बर उस दिन भी मैं उतना ही रोई जितना मैं विदाई के दिन रोई फाइनली. और तब से जो विदाई के दिन के लिए डर बैठा हुआ था कि मम्मा के बिना रहना है फाइनली, किसी दिन शादी होगी, मम्मा के बिना रहना होगा. एंड फाइनली व्हेन द विदाई हैपेंड, बहुत सारे लोग थे यहाँ पर और वो ऐसा दृश्य बन गया था कि लोगों से बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा था. तो हाँ, वो मम्मा के बिना रहना वाला जो अब मेरा फेज है, हालांकि अभी भी मम्मा मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, मैं मिलती रहती हूँ उनसे, बहुत सारा समय बिताती हूँ, बट वो जो एक मम्मा के घर में नहीं रहकर एक दूसरे घर में जाना, वो जो एक फेज़ है वो मेरे लिए द मोस्ट डिफ़िकल्ट फेज़ रहा है. लेकिन बहुत खुश हूँ कि मम्मा की ब्लेसिंग्स, मम्मा का साथ, मम्मा का सपोर्ट अभी कायम है. मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को लग्जरी हो या आपके जो पैसे हैं, दौलत है, शोहरत है, मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, इन सब से कोई मतलब नहीं होता. माँ बाप की जो ख्वाहिशें हैं वो बहुत छोटी होती हैं. और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि बहुत सारे लोग उन थोड़ी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर सकते. और वो ख्वाहिशें ऐसी होती है कि एक बार बस आवाज़ सुनने को मिल जाए, एक बार हमारे बच्चे ठीक से हमसे बात कर ले. जस्ट इमेजिन, जिन लोगों ने आपको बड़ा किया है वो एक ठीक से बात करने के लिए तरस जाए आपसे, इससे ज़्यादा छोटी बात तो हो ही नहीं सकती. और आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरह आप अपनी हस्ती से अपने माँ बाप को जुदा कर सकते हैं. अल्टीमेटली सबसे बड़ा फैक्ट यही है कि हम इसलिए हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा हैं. और आई जस्ट होप कि ये भावना किसी को बताने से नहीं आ सकती है. आई होप कि अंदर से ही लोगों के मन में एहसास हो कि माँ बाप को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी ज़रूरत है. और किसी भी पड़ाव पर हो आप ज़िंदगी में, किसी भी एज पे हो, आपको माँ बाप की ज़रूरत हमेशा ही है. और अगर कोई माँ एक बच्चे की मुस्कान भरी नज़र देखने को तरस जाए तो आई थिंक उससे गरीब पर्सन हो ही नहीं सकता. एंड अगर आपके मन में ये भावना नहीं है तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कर्स है आपकी लाइफ पे. सो आई जस्ट होप कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है पेरेंट्स की, जिसमें कोई भी स्वार्थ, कोई भी लालच, कुछ भी बड़ी ख्वाहिशें इन्वॉल्व नहीं है, एटलीस्ट वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिसमें अच्छे से बात कर लेना, ध्यान रख लेना, ये पूछ लेना कि अगर आपकी माँ ने पूरी ज़िंदगी आपसे पूछा है कि बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, अगर आप फ़ोन करके पूछे माँ तूने खाना खाया कि नहीं, आई थिंक इस सेंटेंस के ऊपर आपकी माँ काफ़ी सारा समय निकाल सकती है कि हाँ मेरे बेटे ने मुझसे इतनी बड़ी बात पूछ ली जो कि बहुत छोटी बात है. तो आई थिंक अगर वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही हम पूरी कर दें तो वो भी हमारे मम्मी पापा के लिए बहुत बड़ी बात है. तो मैं चाहूँगी कि हर एक पर्सन में ये भावना हो, भले ही आप समाज सेवा ना करें, अगर आप हमारे फेथ में भी बोलते हैं कि अगर आप माँ बाप की सेवा कर लें तो आप सारे तीर्थ आपके हो जाते हैं पूरे. माँ के ऊपर तो बहुत सारे गाने हैं, बहुत ही सारे. और हर बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मैंने भी एक गाना गाया है नामकरण सीरियल में माँ पर, लेकिन जब भी माँ से रिलेटेड कुछ बात होती है, गाना होता है, तो मैं बिना रोए पूरा ही नहीं कर पाती हूँ. तो मेरे लिए बहुत इमोशनल हो जाता है. इनफैक्ट पुराने गाने बहुत अच्छे हैं माँ पर, और मुझे तू कितनी अच्छी है वो गाना मेरा फेवरेट है. आज मदर्स डे है तो क्या कुछ स्पेसिफिक प्लान होने वाला है यू एंड योर मॉम के साथ में, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ आज सेलिब्रेशन होने वाला है? काफ़ी कुछ एक्साइटिंग प्लान किया है मैंने. गिफ्ट तो बहुत पहले ही डिसाइड कर ली थी, फिर उसके बाद सरप्राइज है या मॉम को पता है?
सरप्राइज़ है. और मेरी मोम के एक्चुअली मम्मा को कुछ भी बोलो तो मम्मा हाँ मेरे पास है, हाँ मेरे पास है, हाँ मेरे पास है. तो मैं बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उनके लिए गिफ्ट चूज़ करना, लेकिन मैंने कोशिश की है, शायद उन्हें पसंद आएगा. साथ ही साथ हम MS धोनी देखने जाने वाले हैं, फिल्म जी रिलीज़ हुई है, तो वो मदर्स डे स्पेशल प्लान है. ओके दो खन लागे है माँ तेरी अखियां, दो खन लागे है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागे है तू सारी सारी रतियां. कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी पट्टु सिलेब उड़ेमी मस्तिमी.